नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे चैनल पर हमारे साथ पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की गणित बिल्कुल ही फ्री और सरल तरीके से, तो उसी फ्री और सरल तरीके को मद्देनजर रखते हुए आज एक्सरसाइज हम 9.5 में क्लियर करेंगे, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक, और जानेंगे कि किस प्रकार से समघाती अवकल समीकरणों को पहचान कर उन्हें अवकलन द्वारा या अवकल समीकरण विधि द्वारा हल किया जाता है, देख लेते हैं। तो आज का वीडियो समाकलन विधि द्वारा कैसे एक सरल किया जाता है, देख लेते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि अच्छा लगे या परफेक्टली समझ में आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब और अपने उन मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए जो मैथमेटिक्स में काफी कमजोर हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स को हल करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करें और हमसे पाएं इंटरमीडिएट की गणित के प्रत्येक लेसन के प्रत्येक सवाल का सलूशन बिल्कुल ही सरल तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। छठा है xdy - ydx = √x2 / dx। इस dx के फलन को हम इधर ले जाएंगे, इधर होगा xdy = √x2 + y2 dx + y dx। क्लियर, ये होगा xdy = यहां पर dx कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा √x2 + y2 + y। इस dx को यहां अपान में ले लेंगे तो यहां बचेगा √x2 + y2 + y/x। क्लियर है, ये एक आपका समघाती अवकल समीकरण है, क्योंकि अंश और हर दोनों में घातें समान है। जब समघाती अवकल समीकरण होगा तो उसे मानेंगे v = vx, अवकलन करेंगे dy/dx, v + x dv/dx, पुट कर देंगे v + x dv/dx = √x2 + y = v2x2 + vx/x। क्लियर है, ठीक है। v + x dv/dx = √x2 (1+v2) + vx/v। ओके, v + x dy/dx = इसका रूट खत्म होगा तो इसके दो जो हैं ये लॉकडाउन में छुट्टी पर चले जाएंगे तो यहां पर बचेगा 1+v2 + vx/x। ओके, अब देख लेते हैं v + x dy/dx = x कॉमन ले लेंगे दोनों से, यहां बचेगा √1+v2 + v/x। ये गब्बर सिंह कैंसिल हो जाएंगे, इधर हम ये जो इधर जो v बचा हुआ है इसको उधर ले जाएंगे, यहां होगा xdy/dx = √1+v2 + v, और ये वाली भी इधर आ जाएगी, ये दोनों आपस में छुट्टी पर होंगे। इधर बचेगा xdy/dx = √1+v2, इस x को यहां पर अपॉन में ले लेंगे y को। ओ भाई, यहां पर भाई dv/dx है, इस समय क्या हो रहा है, छुट्टियां चल रही हैं ज्यादा, dv/dx है, ये लिखेंगे dv/√1+v2 = dx/x। इसे लिखेंगे dv/√1² + v² / dx/x। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, हिंदी लिखने का समय नहीं है भाई, लिख भी सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला यूज करेंगे ∫dx/√a² + x² का फॉर्मूला होता है log|x/√a² + x² ये फॉर्मूला है, बिल्कुल ही चुटकुला। इसको पुट करेंगे यहां पर तो ये लिखेंगे log|x (x की वैल्यू है v+√1+v2 = इधर होगा log x + log c। देखिए अब क्या लिखेंगे, log v की वैल्यू पुट करेंगे y/x + √1+y² / x² = log x + log c। इसे लिखेंगे log y/x + √x² + y² / x = log x + log c। log x को इधर ले लेंगे,
ये बनेगा लॉग वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। ये होगा लॉग वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। लॉग ये होगा एम माइनस एन एम बाई एन हो जाएगा। y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में आएगा x के साथ में एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर लॉग सी। लॉग और लॉग छुट्टी पर हो जाएंगे। यहां बचेगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। इसकी गुणा करा देंगे यही हमारा उत्तर वाला होगा। सवाल नंबर 7 की बात कर लेते हैं। x cos y by x plus y sin y by x y dx equal to y sin y by x minus x cos y by x into x dy को हल करना है। समघातीय अवकल समीकरण है ये तो। ये तो सवाल बहुत ही हाथी है। इसे कैसे बनाते हैं, एक चींटी के रूप में बिल्कुल ही हलवा स्टाइल से। देखिए इसे लिखेंगे dy by dx। dy कहाँ है, ये। dx कहाँ है, ये। इसको इसके अपान ले जाएंगे तो ये इससे नाराज होगा तो ये इसके अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x cos y बटे x प्लस y sin y बटे x। क्लियर है, ऐसे इसको क्लोज कर देंगे एक अच्छे से दरवाजे में। y बाहर अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा, x बाहर है, y sin y बटे x माइनस x cos y बटे x। ये बन गया आपका क्लियर, ये हो गया समघाती अवकल समीकरण। मान लेते हैं y बराबर वी एक्स, अवकलन करेंगे dy बटे dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। पुट कर देंगे v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू वैल्यू लगा देंगे y की वैल्यू वी एक्स अंदर x cos y बटे x बराबर होगा v प्लस y की वैल्यू होगी यहां पर वी एक्स और ये होगा sin y बटे x की वैल्यू होगी। नीचे है x इंटू वाई की वैल्यू वी एक्स साइन वाई बटे एक्स वी माइनस एक्स कास वाई बटे एक्स वी। क्लियर है, ये कैंसिल होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी, इसमें से x कॉमन होगा तो अंदर बचेगा कास वी प्लस वी साइन वी। नीचे हम x कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा v साइन वी माइनस कास वी। फिर से ये आपके छुट्टी पर होंगे, बचेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू कास वी प्लस वी साइन वी अपॉन नीचे होगा v साइन वी माइनस कॉस वी। इस v को इधर ले जाएंगे, इधर बचेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू गुणा करा देंगे v कास वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी और माइनस वी गुणा करा देंगे। ये होगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस इसकी गुणा करेंगे वी स्क्वायर साइन वी और माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी अपॉन नीचे होगा v साइन v माइनस कॉस v। ये फिर से छुट्टी पर होंगे लॉकडाउन की वजह से। यहां पर बचेगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v cos v 2v cos v होगा और नीचे होगा v साइन v माइनस कॉस v। इस फलन को यहां पर ले लेंगे, ये होगा v साइन v माइनस कॉस v अपान v cos v को ले लेंगे ऐसे इंटू डी वी इक्वल टू दो यहीं पर रहेगा क्योंकि वो इससे नाराज है और यहां पर होगा डी एक्स अपॉन। क्लियर है, ठीक है। इसको अलग अलग कर देंगे v साइन v अपॉन v कास v माइनस कास v अपॉन v कास v इक्वल इंटू डी वी इक्वल टू टू डी एक्स अपॉन एक्स। इधर कास v कैंसिल होगा, इधर v कैंसिल होगा, ये बनेगा tan v माइनस वन बाई वी इंटू डी वी इक्वल टू टू डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन स्टाइल से
इंटीग्रेशन टेन वी माइनस वन बाई वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स बाई डी एक्स। ओके, टेन वी का इंटीग्रेशन होगा लॉग सेक वी, वन बाई वी का होगा लॉग वी, इक्वल टू टू इसका होगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी। क्लियर है? ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे v की, ये बनेगा लॉग सेक v की वैल्यू है y बटे x माइनस लॉग y बटे x इक्वल टू लॉग x स्क्वायर प्लस लॉग c। क्लियर है? अब ये लॉग m बाय n में टूट जाएगा, लॉग सेक y बटे x अपान y बटे x, और ये लॉग एक्स स्क्वायर इधर ले लेंगे माइनस का होगा, इधर बचेगा केवल लॉग सी, ये भी अपान में आ जाएगा, ये बनेगा लॉग सेक वाई बटे एक्स अपान वाई बटे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी। लॉग लॉग कैंसिल होगा, एक बार एक्स वाई कैंसिल होगा, ये बचेगा सेक वाई बटे एक्स अपान एक्स वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, यदि हम एक्स वाई ऊपर कर देंगे सेक वाई बटे एक्स नीचे कर देंगे तो ये वन बाई सी हो जाएगा। ठीक है, उल्टा तो इसे लिखेंगे एक्स वाई, ये हो जाएगा कास वाई बटे एक्स इक्वल टू वन अपॉन सी। यहां पर लिखेंगे चूंकि वन अपॉन सी बराबर सी रखने पर, तो चलिए भाई इसमें सी पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा एक्स वाई कास वाई बाई एक्स इक्वल टू सी, ये इसका रेशियो। अब हल कर लेते हैं एक्स नंबर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू जीरो। इसे लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा, एक्स अपॉन में करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई बटे एक्स अपॉन एक्स, एक समघाती समीकरण है, वाई बराबर बी एक्स मानेंगे, अवकलन करेंगे इसका होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, पुट करेंगे यहां पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर होगा y की वैल्यू वी एक्स माइनस एक्स साइन वी अपॉन, ये होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन v माइनस साइन वी अपॉन एक्स, ये x कैंसिल होगा, v को उधर ले जाएंगे एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहां पर होगा v माइनस साइन वी, वी इधर होगा ये कैंसिल होगा, ये बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वी, इधर ले लेंगे साइन वी को डी वी अपॉन साइन वी, माइनस उधर रखेंगे नाराज है साइन वी से, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। चलिए दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, इसे लिखेंगे कॉसेक वी इंटू डी वी, अब समाकलन करेंगे क्योंकि डी वी अपॉन साइन वी का समाकलन नहीं होता है, इसका होगा माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। चलिए कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन होता है लॉग कॉसेक वी माइनस काट वी, ये होता है समाकलन, और लॉग एक्स को इधर ले लेंगे प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा केवल लॉग सी। इसे लिखेंगे लॉग कॉसेक v की वैल्यू लगा देंगे y बटे एक्स माइनस काट y बटे एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग c। लॉग m प्लस लॉग m फॉर्मूला लॉग m n हो जाएगा, लॉग कॉसेक y बटे एक्स माइनस काट y बटे एक्स इंटू एक्स इक्वल टू लॉग c। लॉग हो जाएंगे छुट्टी पर, कॉसेक को लिखेंगे वन अपॉन साइन वाई बटे एक्स माइनस कास वाई बटे एक्स अपॉन साइन वाई बटे एक्स और इंटू एक्स इक्वल टू सी, तो ये बनेगा एक्स इंटू वन माइनस कास वाई बटे एक्स अपॉन साइन वाई बटे एक्स, ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा इक्वल टू सी, सी से गुणा करा देंगे तो ये बचेगा एक्स इंटू वन माइनस कास y बटे एक्स इक्वल टू सी इंटू साइन वाई बटे एक्स, ये इसका भी क्योंकि डी डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई माइनस टू एक्स डी वाई, इसमें डी वाई कॉमन बचेगा एक्स लॉग वाई बाई एक्स माइनस टू एक्स इक्वल टू
माइनस वाई डी एक्स को इधर ले लेंगे, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स को यहाँ पर लाएंगे तो ये इसके अपान में पहुंचेगा, माइनस वाई अपान एक्स लाग वाई बटे एक्स माइनस टू। चलिए मान लेते हैं वाई बराबर बी एक्स, अवकलन डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, पुट करेंगे बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी एक्स अपान एक्स लाग बी माइनस टू एक्स, ये होगा बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी एक्स अपान एक्स कॉमन, यहां पर बचेगा लाग बी माइनस टू, ये कैंसिल होगा, यहां पर एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान लाग बी माइनस दो बी को इधर ले जाएंगे, ये होगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस बी लाग बी और प्लस टू बी। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये बनेगा टू बी में बी को कम करेंगे प्लस का बी माइनस बी लॉग बी बचेगा, इसमें बी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू बी कॉमन वन माइनस लॉग बी। ठीक है, क्लियर है, इसको अपान में यहां पर ले लेंगे तो ये बनेगा डी वी अपान बी इंटू वन माइनस लॉग बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इसे लिखेंगे लॉग बी माइनस वन इंटू डी वी अपॉन नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा लॉग बी माइनस वन इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इसे अलग अलग लिख सकते हैं लॉग बी माइनस वन अपॉन माइनस बी इंटू लॉग बी माइनस वन माइनस वन अपॉन माइनस बी इंटू लॉग बी माइनस वन इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस कैंसिल होगा, इसमें ये कैंसिल होगा, बचेगा केवल वन अपॉन माइनस बी प्लस वन अपॉन बी इंटू लॉग बी माइनस वन इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन डी वी अपॉन माइनस बी प्लस इंटीग्रेशन डी वी अपॉन बी इंटू लॉग बी माइनस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, इसका होगा माइनस लॉग बी प्लस इसमें इस फलन को टी मानेंगे लेट टी इक्वल टू लॉग बी माइनस वन, तो इसका होगा डी टी बटे डी वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो इसका डी वी होगा वी डी टी इक्वल टू डी वी, पुट कर देंगे ये होगा माइनस लॉग बी इसका समाकलन प्लस यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन डी वी, डी वी का मान है वी डी टी अपॉन नीचे है वी इंटू इसको माना टी वी, कैंसिल होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, ये बनेगा माइनस लॉग बी प्लस ये हो जाएगा लॉग टी इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग एक्स लॉग सी, इसे लिखेंगे माइनस लॉग बी की वैल्यू वाई बटे एक्स प्लस लॉग टी को माना है लॉग बी माइनस वन इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो इसे लिखेंगे माइनस लॉग वाई बाई एक्स प्लस लॉग लॉग वाई बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, इस माइनस लॉग वाई बाई एक्स को उधर ले जाएंगे इधर बचेगा लॉग लॉग वाई बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी प्लस लॉग वाई बाई एक्स, ये होगा लॉग लॉग वाई बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस में दिया है गुणा में हो जाएगा लॉग एक्स गुणे सी गुणे वाई बाई एक्स, एक्स कैंसिल होगा लॉग लॉग कैंसिल होगा, यहां पर बचेगा लॉग वाई बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू सी वाई, ये इसका क्लियर है। 10 नंबर को ध्यान देना है, 1 प्लस e की पावर x वाई वाई डी एक्स प्लस e की पावर x वाई वाई इंटू 1 माइनस x वाई वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। देखिए यहां पर पावर जो है x बाई वाई के रूप में दिया गया है, इसलिए अब हम डी वाई बटे डी एक्स ना बना करके डी एक्स बटे डी वाई बनाएंगे, डी एक्स वाले फलन को इधर रोकेंगे, डी एक्स इंटू 1 प्लस e की पावर x बाई वाई इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा e की पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस x बाई वाई इंटू डी वाई, डी वाई को अपॉन में ले लेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स बाई वाई
इंटू वन माइनस एक्स बाई वाई अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई। अब यहां पर हम मानेंगे एक्स बराबर वी वाई, तो इसका अवकलन करेंगे डी एक्स बटे डी वाई बराबर वी प्लस वाई इंटू डी वी बटे डी वाई बनेगा। ठीक है, वी प्लस वाई इंटू डी वी बटे वाई, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड का अवकलन फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, वाई का अवकलन वन होगा और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन का डी वी बाई डी वाई होगा। पुट कर देंगे वी प्लस वाई डी वी बटे डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स बटे वाई बराबर होगा वी, वन माइनस वी अपॉन वन प्लस ई की पावर वी, वी को इधर ले लेंगे, इधर होगा वाई डी वी बटे डी वाई इक्वल टू माइनस ई की वी प्लस माइनस माइनस प्लस वी की वी अपॉन वन प्लस ई की वी और माइनस वी, गुणा हो जाएगी वाई डी वी बटे डी वाई इक्वल टू माइनस ई की वी प्लस वी की वी माइनस वी माइनस वी की वी, तो ये कैंसिल होगा अपॉन नीचे होगा वन प्लस ई की वी, तो ये होगा वाई डी वी बटे डी वाई इक्वल टू यहां पर बचेगा माइनस ई की वी प्लस वी माइनस कॉमन अपॉन वन प्लस ई की वी, इसको इधर ले आएंगे तो ये बचेगा वन प्लस ई की वी अपॉन ई की वी प्लस वी इंटू डी वी इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। अब यहां पर कर देंगे दोनों पक्षों का समाकलन, तो देखिए क्या लिखेंगे, इसे इसे लिखेंगे वन प्लस ई की वी अपॉन वी प्लस ई की वी इंटू डी वी इक्वल टू इसका होगा माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई, तो इसे टी मान लेते हैं, लेट टी इक्वल टू वी प्लस ई की वी, इसका अवकलन करेंगे वी के साथ डी टी बटे डी वी, तो वन प्लस ई की वी होगा, डी वी के मान निकालेंगे तो ये बनेगा डी टी अपॉन वन प्लस ई की वी इक्वल टू डी वी होता है, डी वी की वैल्यू को पुट करेंगे इंटीग्रेशन वन प्लस ई की वी अपॉन इसको टी माना है इंटू डी वी की वैल्यू है डी टी अपॉन वन प्लस ई की वी, ताकि ये कैंसिल हो, इक्वल टू इसका समाकलन होगा माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी। तो देखिए इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन डी टी बटे टी, इधर है माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी, इसे लिखेंगे लॉग टी इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी, इसे लिखेंगे लॉग टी, टी की वैल्यू लगा देंगे वी प्लस ई की वी, लॉग वाई को इधर ले लेंगे प्लस का हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी, इसे लिखेंगे लॉग वी की वैल्यू लगा देंगे एक्स अपॉन वाई, वी की वैल्यू यहां से एक्स अपॉन वाई प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी, लॉग एम प्लस लॉग एन फॉर्मूला लॉग एम एन, लॉग एक्स अपॉन वाई प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू लॉग सी, यहां पर लॉग लॉग कैंसिल होगा बचेगा एक्स अपॉन वाई प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू सी, वाई से गुणा होगी वाई एक्स अपॉन वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी, ये कैंसिल होगा बचेगा एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी, ये इसका क्लियर आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, हमें कमेंट करके जरूर 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 बताइएगा, मेरे क्वेश्चंस आपको परफेक्टली समझ में आए हैं मैं दावा करता हूं, और मैं ये आशा करता हूं आपसे कि आपको हमारे सभी प्रश्न समझ में आए हैं, यदि समझ में आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने में देरी ना कीजिए, अपने मित्रों को जरूर सूचित कीजिए और उनसे बताइए कि वो इस लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई का मजा लें, ऑनलाइन पढ़ाई से अपने कोर्स को रिवीजन करें, ऑनलाइन पढ़ाई से अपने कोर्स को बढ़ाएं और एग्जाम में, ताकि हमें एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम भी आपका अपने समय पर ही होगा, विद्यालय आपके चाहे जुलाई में खुले या सितंबर में, एग्जाम आपका समय पर ही होगा, ठीक है, तो उस समय को ध्यान में रखते हुए जो क्लासेस हम अपने चैनल पर दे रहे हैं, जो सवाल आपको दे रहे हैं, उस पर स्टेप बाय स्टेप डीपली अध्ययन कीजिए और एक एक क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए, हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, ताकि एग्जाम के समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और कम से कम समय में कैसे कोर्स को रिवीजन करें ये जान लें। ओके, फिर मिलते हैं आपको इसी के आगे, इसी एक्सरसाइज के कुछ आगे के क्वेश्चनों में, तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।